इस ठग ने ठगी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले थे और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। विक्टर लस्टिक नाम के इस ठग ने एफिल टावर को ही बेच दिया था। बस एफिल टावर की रजिस्ट्री होनी बाकी रह गई थी। विक्टर का जन्म 1890 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। यह बचपन से ही शातिर था। पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन बड़े होने तक उसे 5 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। नई भाषाएं सीखने में यह काफ़ी दिलचस्पी रखता था। विक्टर लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाया करता और बातों में उनके बारे में जानकारी हासिल करता और फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाने की साजिश रचता। 1925 ईस्वी में विक्टर ने एफिल टावर को बेचने की योजना बनाई। उसने प्रिंटिंग प्रेस से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जिसमें यह छपाया गया कि सरकार के लिए इसे मरम्मत कराना मुश्किल है, वह इसे बेच रही है। 1925 में विक्टर यूरोप आया और पेरिस में बस गया। इस दौरान पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और पेरिस में नव निर्माण काम चल रहा था और एफिल टावर की मरम्मत का काम भी चल रहा था और ऐसी खबरें रोज़ अखबारों में छप रही थी। बस यहीं से विक्टर के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उसने एफिल टावर बेचने के लिए डाक और टेलीग्राफ मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर का भेष बनाया और प्रिंटिंग प्रेस से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और यह खबर पहुंचाई कि एफिल टावर की मरम्मत करवाना सरकार के लिए मुश्किल है, वह इसे बेच रही है और यह गुप्त योजना है, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हो रहा है। 6 व्यापारी विक्टर के झांसे में आ गए और उन्होंने विक्टर को कॉन्टैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए विक्टर ने व्यापारी से मोटी रकम मांगी। व्यापारी को लगा कि यह काम करवा सकता है। उसने सारा पैसा विक्टर को दे दिया और विक्टर पैसा लेकर फरार हो गया।